हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथ्स चैनल ब्रिंग सिकंदरी। तो जैसा कि हमने कल क्लास 5 के मैथ का चैप्टर पार्ट 1 बताया था एडिशन, आज हम बताने जा रहे हैं सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन पे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बेसिक चीज वही है सबट्रैक्शन में भी जो एडिशन था, बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली और चीजें हैं। तो सबट्रैक्शन की बात करें, जैसे कि वही बेसिक पहले से कि 3 8 5 है और इसमें से माइनस करना 1 2 5। तो कैसे माइनस करेंगे? जस्ट सिंपली 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 1 2, ये हो सकता है। बट इसमें भी वही चीज ध्यान देने वाले हैं कि आप ऐसे नहीं ले सकते, डिजिट से डिजिट लिखा जाए 3 8 5 5 2 1, ये दोनों हो जाएगा रॉन्ग। ये इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि हम जब भी कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिजिट नेचर हमेशा डिजिट लिखते हैं और राइट टू लेफ्ट चलते हैं हमेशा। ऐसा नहीं लिख सकते जैसे हमारे पास कोई है इजी कैसे 3 5 6 और इसमें माइनस करना हमें 3 8। तो यहां से हम लिखेंगे, तो इससे अब यहां से कैरी लेने वाला सिस्टम होता है। जैसे कि यहां पे 6 है और यहां पे 8 है, तो क्या 6 पड़ा या फिर 8 पड़ा है? तो जो 6 पड़ा है तो 8 सॉरी इसमें 8 पड़ा है, तो क्या 6 में से 8 कभी माइनस होगा? जब नहीं माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बगल वाले से यानी इसके साइड में जो भी वैल्यू है यहाँ से क्या कैरी लेते हैं, इससे कैरी लेते हैं। इससे जब कैरी लेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ, जब 5 से कैरी लेंगे यहाँ पे 6 को, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये 16 है, अब यहाँ पे जो 6 ना होकर के हमारा क्या रहा 16 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो हमारा बचेगा 8। इससे अगर यहाँ पे कैरी ले गया इसको 6 को, यहाँ पे इसके बाद 5 था बट बचा कितना है इसके पास? 4 बचा। जब 4 बचा तो यहाँ हो गया हमारा, हमारे पास जब 4 बचा तो 4 क्या 3 में से माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगी 4 इज सर बिग, तो 4 माइनस 3 इज 1। इसके बाद यहाँ पे 3 हम कहते हैं पिछले यहाँ पे नहीं रहेगा, साइन के साथ 0 भी लिख सकते हैं या फिर माइनस का साइन लगा सकते हैं, 3 माइनस 0 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे माइनस करते हैं, एग्जाम्पल है 8 2 6, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है 9। इसके बाद हमको माइनस करना है 7 3, हमेशा राइट से लिखेंगे 2 1 3, इसको हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से बात है क्या, इसको माइनस 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 1 1 8 माइनस 3 5। बट ये था कि सिंपल था, इसकी सारे जो ऊपर वाले थे वो नीचे ऑब्वियस से बात नीचे वाले से पड़े थे। बट इसमें क्या करना है कि आपको सबको ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि ऊपर वाले डिजिट छोटे और नीचे वाले बड़े, जैसे आप लाइट 9 6 3 2 1। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं कुछ भी ले सकते हैं 6 3 5 7 4। अब इसको क्या करना है आपको माइनस करना है, तो जस्ट सिंपली क्या करेंगे माइनस करना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 6 है, क्या आप में से 6 को माइनस कर सकते हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम इसके जो साइड में है इससे हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, कैरी लेंगे तो एक कैरी लेंगे तो एक और एक मिलकर कितना हो जाता है 11 हो जाता है। एक और एक मिलकर हम 2 ने मतलब 1 और 1 कर प्लस करके 2 नहीं कर देंगे, हम 1 और 10 के फॉर्म में लेंगे, यानी 1 और 1 कितना होता है 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 अब यहाँ पे जो हो गया 11 6 को माइनस करें कितना बचेगा यहाँ पे 6 5 बच जाएगा, यहाँ पे देंगे हम 5। इसी तरीके से यहाँ पे जो 2 था यहाँ पे 1 दे दिया, इसके पास कितना बचा सिर्फ 1 बचा। अब 1 क्या करेगा, 1 क्या 1 3 माइनस होगा नहीं माइनस होगा, फिर इससे कैरी लेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे एक कैरी लेगा फिर इसके पास 11 बचा, फिर यहाँ पे 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 11 माइनस 3 हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब 3 2 पे कैरी लग जाता है इसके बाद बचा कितना है 2, क्या 2 में से 5 माइनस होगा नहीं माइनस होता, तो जब 2 में से 5 माइनस होता है इससे कैरी लगा तो यहाँ बन जाएगा कितना 13 बन जाएगा, एक जब इसको कैरी लिया तो 13 बन गया, 13 माइनस 5 तो 8। इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे फिर एक कैरी लिया 3 को, जब यहाँ पे 3 कैरी लिया है 5 बचा 5 माइनस, अब 5 में से क्या 7 माइनस होगा नहीं माइनस सकता, तो हम क्या करेंगे फिर से 9 से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 था पहले से एक कैरी लिया यहाँ हो गया 15,
अब 15 माइनस 6 9 50 सॉरी 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहां पे भी हो जाएगा 8। अब यहां पे जा तो 6 9 और 6 को 1 कैरी किया था तो यहां पे कितना बचा 8 माइनस 4 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास कैरी वाला भी हो सबट्रैक्शन तो उसको भी कर सकते हैं और सिंपल सबट्रैक्शन हो तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम बात करें सिंपल सर कि यहां पे लिख दिया 3 4 5 6 9 सॉरी 3 यहां पे हो जाएगा 9 6 7 और यहां पे हो जाएगा 5। इसको सबट्रैक्ट करना है, यहां पे कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं, माइनस का साइन लगा सकते हैं। यहां से माइनस करेंगे 3 माइनस 9, क्या 3 में से 9 माइनस हो पाएगा? कभी नहीं। ऑब्वियसली बात, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, छोटे में से बड़े कभी नहीं मान सकते। ये छोटा है, ये 3 स्मॉल नंबर्स है और ये बिग नंबर्स है, दोनों में स्मॉल में क्या है, स्मॉल नंबर से कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते। ये पूरा हिसाब तैयार करना है। चलिए तो 3 यहाँ पर बचा है, 3 से 6 कैरी लगा इसे माइनस में बताया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए 30 30 माइनस 9, 30 में से माइनस करना 9 को, 30 माइनस 9 कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे 6, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 6, क्योंकि ये कैरी लगा था 3 को, जब 5 में से 6 का माइनस होगा नहीं होगा तो इसके क्या करेंगे, इस 5 से कैरी लगा तो यहाँ बन जाएगा 15 15 माइनस 6 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ भी कैरी करें 6 को, यहाँ बचा 4, 4 में से क्या 7 माइनस होगा, नहीं माइनस हो सकता, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर कैरी करेंगे इससे 5 से, यहाँ जब 4 बचा है तो 4 और 1 मिल करके 14 बन जाएगा, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि हमेशा 1s और 10s के फॉर्म में लेना है, ना कि हमें 1 और 4 को ऐड करके 5 कर देना है। तो क्या करना है, 4 14 हो गया, सॉरी अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे बचा है 4, 4 एक कैरी लेगा इसी तरीके 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 14, तो 14 माइनस 7 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे बचा एक, जब 5 कैरी लेगा 3 बचा, जब 3 बचा तो 3 5 से माइनस नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 से 8 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे जाएगा, जब यहाँ पहले से 3 बचा फिर एक कैरी लेगा 30 30 माइनस 5 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है, यहाँ पे एक कैरी दिया था 4 को तो यहाँ बचा 8 था, यहाँ पे कैरी दिया था यहाँ बचा, यहाँ बन जाएगा 7, तो 7 बचा तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी सबट्रैक्शन हो एडिशन हो बता सकते हैं, कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज पे, जैसे इनके नोट डाउन, हम कभी भी किसी चीज को सबट्रैक्ट करते करते वक्त हम क्या करते हैं कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, छोटे में से बड़े कभी नहीं माइनस करेंगे, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करेंगे, यानी बिग नंबर जो रहेगा उसमें स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे। तो ऐसा क्या हम आते हैं, जैसे कि एडिशन हुआ ऐसा करता था कि 3 2 5 सॉरी छोटा लिख देते हैं 2 6 प्लस 2 7, ये 26 है 27 है, क्या माइनस हो पाएगा, अगर माइनस करना चाहे तो, अगर इसको माइनस करना है तो ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। हम क्या करेंगे अगर बट ये एडिशन की बात करें तो एडिशन पर सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको 26 और 27 इसको ऐड कर सकते हैं, 6 प्लस 7 13 और 2 2 4 प्लस 1 5 इसको ऐड कर सकते हैं, बट कभी भी हम इसको इससे माइनस नहीं कर सकते। ये तो एडिशन है, एडिशन के लिए सही है, एडिशन के लिए जब हम बात करेंगे तो ये एडिशन के लिए सही है, इसके बाद ये सबट्रैक्शन के लिए रॉन्ग हो जाएगा। एडिशन किसी को भी ऊपर नीचे करके ऐड कर सकते हैं, ये सबट्रैक्शन के लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो आप आपके आपके एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज 2.2 की हम बात करें, एक्सरसाइज 2.2 मैं इसमें से एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, बाकी आपको सारे भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्ट, इसमें से सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, पूरे क्वेश्चन इसमें से पूरे मिल जाएंगे तो आपको करना है। पहला क्वेश्चन है 3 5
सेवन वन फोर थ्री और नीचे टू फाइव एट थ्री फाइव वन। अब इसको क्या करना, सेपरेट करना। इसके लिए हम कुछ इसको वंस मानते हैं, जैसे कि मैं कल भी आपको बताया था एडिशन में, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक्स। तो जैसे हमने इसको सेपरेट करना है क्या करेंगे, वही बेसिक रूल्स। थ्री माइनस टू, थ्री इज अ बिग नंबर एंड टू इज अ स्मॉल नंबर, तो ये इजली माइनस हो, थ्री माइनस टू वन। अब यहाँ पे जो फोर, फोर इज स्मॉल नंबर, फाइव बिग नंबर। मैंने अभी बताया था कि सबट्रैक्शन का रूल्स जो होता है, कभी भी हम सब छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर एक इससे कैरी लेंगे, स्मॉल से कैरी लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, फोर है, जब वन कैरी लेगा तो यहाँ हो जाएगा फोर्टीन। अगर यहाँ पे फोर है ये पहले से कैरी लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे फोर है, फोर यहाँ पे है, इस वन को कैरी नहीं ले सकते, कितना बन जाएगा यहाँ पे फोर्टीन। अब यहाँ पे जो 14 हो गया तो 14 किससे में सिर्फ 5 को माइनस करना चाहिए, माइनस से नहीं हो जाएगा क्योंकि बिग नंबर हो गया, तो 14 माइनस 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे जो 1 कैरी किया 4 को, तो यहाँ कितना बचा है, तो डी के तरह बचते हैं 0। क्या 0 वैसे 8 पॉसिबल है माइनस में, क्योंकि 0 तो 0 होता है और 8 तो वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है, उसके उसके कंपेरिजन में 0 के, तो क्या यहाँ पे 0। अब 0 क्या करेगा, फिर से कैरी लेगा 7 से, तो 7 से पहले कहा बच जाएगा 10। जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 में से 8 को इजीली माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 7 है, 7 था, एक इसको कैरी कर दिया 0 को, यहाँ हो गया था 10, तो यहाँ पे जब 7 एक कैरी करता है बच जाएगा 6। अब 6 यहाँ पे बचा 6 माइनस 3 3, क्योंकि 6 इज द बिगेस्ट नंबर, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 5 है, नीचे भी 5 है, किसी भी नंबर से सेम नंबर से माइनस करना हमेशा 0 हो जाता है, और 5 से 5 इजीली माइनस करेंगे तो क्या काम आना, चाहे कोई भी नंबर होगा सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा 0 है, 3 0 है, 3 माइनस 1 यहाँ पे 2, ये हमारा हो जाएगा इस तरह की सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला था, इसके बाद आपको कुछ इसमें से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको मिल जाएंगे, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके भेजना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा अरेंज इन कॉलम्स, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट। अब इसको अरेंज करना है कॉलम, जैसे कि अरेंज इन कॉलम है, अरेंज हुआ है, इसको पहले से अरेंज करके दिया गया है कॉलम, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखे रहेंगे, 2 1 9 5 2 1 9 5 2 1 from 8 1 0 6 8 1 0 6 5 0। ये पहला क्वेश्चन है। अब ये हमको क्या क्वेश्चन को है बोला, अरेंज इन कॉलम, इसको इस तरीके से कॉलम में अरेंज करना है, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है एंड सब्ट्रैक्ट। लेकिन हम इसमें एक क्वेश्चन लिखा है कि 2,90,521 फ्रॉम 81,650। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें लिखा है कितने से इसको फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इससे इसको माइनस करना है, क्या करेंगे हम, इससे इसको जो है माइनस करना है फ्रॉम। और वैसे भी मैं आपको अभी पहले बताया था कि जो बिग डिजिट होती है उससे ही इस मॉडल को माइनस करना है। यह है 80,650 और ये क्या है 2,90,520 ये हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमेशा क्या करते हैं इससे इसको माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म का मतलब इससे इसको माइनस करना है, ऐसा फैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे कॉलम, कैसे करेंगे, 0 0 5 6 0 1 8 हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ पे जगह 1 2 5 9 1 2 सिंपली इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 0 है 1 है, क्या 0 में से 1 माइनस होगा, 0 तो छोटे डिजिट है, छोटा है 1 से, इस 1 से,
तो क्या करेंगे हम इससे फिर इस जीरो से फिर वही पुराना रूल सवाल से कैरी हो जाएगा, जब इससे जीरो था फाइव से कैरी लेते हो जाएगा टेन, टेन माइनस वन हो जाएगा नाइन, यहाँ पर माइनस कर देंगे। आपको ऐसे तरीके से लिखना आ जाएगा, आपको आता तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप ऐसे करके समझ के अपना ये जो आपका रफ वर्क है ये आपको रफ करना है, ऐसे नहीं सामने करना, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा जब एक फाइव था यहाँ पे कैरी लेते जीरो को, क्या कितना बचा फोर, फोर माइनस टू, तो फोर तो टू से माइनस हो जाएगा, फोर तो टू टू से माइनस करते टू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बचा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव वन, ये भी छोटे बड़ी डिजिट है। अब यहाँ पे जीरो के यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो जीरो में से नाइन, नाइन माइनस हो गया, जीरो था एक इस वन से कैरी लेता जाएगा टेन माइनस नाइन, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा वन इस तरीके से। इसके बाद यहाँ फिर जीरो बच गया, वन था वन जीरो कैरी ले दिया, कितना बच गया वन जीरो, सॉरी जीरो। अब जीरो में से वन माइनस लेगा फिर इससे कैरी लेगा, तो यहाँ फिर टेन बनेगा, टेन माइनस वन नाइन, और इसके बाद यहाँ पे एट था वन को कैरी ले लिया था, क्या बच गया सेवन, सेवन माइनस टू फाइव, ये आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और अब दूसरे क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो इसको इरेज करेंगे, आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं, पास कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, सॉरी शुड बी सब्ट्रैक्टेड, शुड बी सब्ट्रैक्टेड, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या कौन सा ऐसा, क्या ऐसा नंबर जोड़े जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे इतना की वैल्यू आ जाए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं फाइव टू थ्री सेवन, थ्री सेवन सिक्स एट, थ्री सेवन सिक्स एट नाइन टू गेट, तो गेट टू फोर टू थ्री एट सिक्स वन से बोला जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये वैल्यूज जो लिखी है टू गेट दिस वैल्यू, तो हमें इसका सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, ऐसा बोला जा रहा है जैसे कि हम आपके एग्जाम्पल लेकर समझाएं कि आपको कोई ऐसा नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए थर्टी फाइव लिखा गया है, ऐसा बोला गया व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सॉरी शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आप थर्टी फाइव लिखा है टू गेट टू गेट, आपको बोल दिया गया थर्टी या यहाँ पे ट्वेंटी बोल देते हैं, तो बस इनके आपको क्या करना है कि थर्ड क्योंकि फाइव माइनस थर्टी यहाँ पर जाएगा फाइव, यहाँ पर जाएगा वन फिफ्टी, फिफ्टीन में से जब हम इसको ऐड कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू फिर करके आ जाएगी, बस सिंपली ये करना है। तो हम क्या करेंगे कि अब इस वैल्यू से लिखेंगे फाइव टू थ्री सेवन, फाइव टू थ्री सेवन सिक्स एट नाइन, यहाँ पे लिखेंगे राइट से लिखेंगे वन सिक्स एट, वन सिक्स एट थ्री टू फोर टू, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, नाइन माइनस वन एट, एट माइनस सिक्स, एट माइनस सिक्स टू, और अब यहां पे क्या हो जाएगा सिक्स में से एट माइनस थ्री होगा क्योंकि
सिक्स इज अ स्मॉल नंबर एंड एट इज अ बिग नंबर। तो फिर क्या करेंगे, सेवन से करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन, सिक्सटी माइनस एट फिर यहाँ पर हो जाएगा एट, फिर यहाँ पे यहाँ पर सेवन करेंगे सिक्स को कितना बचा, यहाँ पे सिक्स सिक्स माइनस थ्री थ्री, अब यहाँ पे थ्री माइनस टू वन, अब यहाँ टू फोर से नहीं माइनस हो पाएगा, फिर से करेगा फाइव से क्या हो जाएगा एक करेंगे तो ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फोर एट, एंड यहाँ पे फोर बचा क्योंकि वन कैरी देंगे तो फोर माइनस टू टू, ये हमारा हो जाएगा आंसर पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। इस तरीके से आपको तीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थ्री क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ का फर्स्ट है, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड बीस से छूट गया था उसको भी बता दें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है आपको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए देखिएगा क्या करना है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, पहला क्वेश्चन है टू नाइन नाइन सिक्स सेवन एट टू टू गेट टू गेट फाइव सिक्स सेवन एट थ्री फोर नाइन। अब इसमें बोला जा रहा है इस नंबर में व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट, ये जो डिजिट लिखी है टू लैक्स नाइनटी नाइन थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी नाइन लैक्स नाइनटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी टू टू गेट फिफ्टी सिक्स लैक्स सेवेंटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन में मिल जाए। तो बस आपको सिंपल ही करना है, अगर आपको पीछे एग्जाम्पल देख सकते व्हाट नंबर शुड बी, जैसे आपको यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे लिखा है फिफ्टी और टू गेट ऐसे बोल देंगे व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू फिफ्टीन टू गेट थर्टी, बस सिंपल आपको क्या करना है थर्टी माइनस फिफ्टीन इसमें से क्या नंबर इसमें से जो नंबर जोड़ेंगे हमें क्या मिल पाएगा या क्या मिलेगा बस सिंपली क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, बट इसमें क्वेश्चन ये बोला है व्हाट नंबर शुड बी इसमें ऐसा क्या जोड़ा जिसमें आप जोड़ने पे एडिट करने पे क्या आपको मिल जाएगा इस थर्टी से। तो बस सिंपली आप करना है इसमें पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा तो आप इसको रेस करते हैं और हम इसका यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं इसलिए इसका सोल्यूशन ऊपर रखते हैं। तो अभी बोला गया था कि क्या फाइव सिक्स इसका जो सोल्यूशन ऊपर है ऐसे इसको नहीं देखना है वैसे ही रेस कर देते हैं इसको। फाइव सिक्स सेवन एट फाइव सिक्स सेवन एट फाइव सिक्स सेवन एट थ्री फोर नाइन यहां पर लगा टू एट सेवन सिक्स नाइन नाइन टू इसको दस से सब्ट्रैक्ट करना है नाइन माइनस टू सेवन हो जाएगा यहाँ पे फोर में से फिर एट माइनस नहीं हो पाएगा यहाँ पे जाएगा कैरी लेगा थ्री से यहाँ हो जाएगा फोर्टीन फोर्टीन माइनस एट सिक्स हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे थ्री था एक कैरी से जाएगा बचा टू टू माइनस में नहीं हो पाएगा फिर से एट एट से कैरी लेना था टू था एक कैरी लेगा तो जगह ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस सेवन ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एट था एक कैरी इसको दे दिया यहाँ बच गया सेवन सेवन माइनस सिक्स हो जाएगा वन अब यहाँ पे सेवन माइनस नाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे छोटी डिजिट है बड़ी डिजिट है ये छोटी डिजिट है और बड़ी डिजिट है तो क्या करेंगे फिर से कैरी लेके यहाँ पे था यहाँ पे सेवन है यहाँ पे कैरी लिया सेवनटीन सेवनटीन माइनस नाइन क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे एट इसके बाद यहाँ पे जस्ट सिक्स एक कैरी ले रहे इसको सेवन को बच गया फाइव फाइव माइनस नाइन नहीं हो पाएगा फिर फाइव तो इससे कैरी लगा यहाँ पे जगह फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन जगह सिक्स यहाँ पे इसका फाइव था एक कैरी दे रहा है यहाँ पे इसका फोर फोर माइनस टू टू ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने सबट्रैक्शन यहां पर सबट्रैक्शन चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। एक एक्सरसाइज 3.3 व्हाट प्रॉब्लम है इसको भी बताना है। फिलहाल अभी आप एक्सरसाइज 2.3 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।